रिसेंटली लियो कार्टर पहले ऐसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो कार्टर के अलावा कौन से ऐसे 6 बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया है। तो अगर आप इन सभी बल्लेबाजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक सर गैरी सॉबर्स का। सर गैरी सॉबर्स ने 1968 में नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। उस समय गेंदबाज थे मैल्कम नैश, और सर गैरी सॉबर्स ने मैल्कम नैश के 1 ही ओवर में 6 छक्के लगा के ये कारनामा किया, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले गैरी सॉबर्स पहले बल्लेबाज बन गए। दूसरे नंबर पर आते हैं इंडिया के रवि शास्त्री, जिन्होंने 1984 में एक रणजी ट्रॉफी मैच जो कि बॉम्बे वर्सेस बड़ौदा के बीच हो रहा था, और उस मैच में बॉम्बे की तरफ से खेलते हुए रवि शास्त्री ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। बॉलर थे तिलक राज, और रवि शास्त्री ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए, और उस समय फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रवि शास्त्री ने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का भी रिकॉर्ड बना दिया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं हर्शल गिब्स, जिन्होंने 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे नेदरलैंड्स के खिलाफ। बॉलर थे डैनवेम बुंगी, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले हर्शल गिब्स पहले बल्लेबाज बन गए। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है युवराज सिंह का, और इन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ। बॉलर थे स्टुअर्ट ब्रॉड, और युवराज सिंह के वो 6 छक्के मेरे तो पर्सनली फेवरेट है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के फेवरेट 6 बॉल में 6 छक्के कौन से बल्लेबाज ने लगाए थे। मेरा पर्सनल फेवरेट युवराज सिंह है, और युवराज सिंह ने उस मैच में सिर्फ 12 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाया था, और इंडिया ने वो मैच भी जीता, और उसके बाद आगे जाके T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है एलेक्स हिल्स का। एलेक्स हिल्स ने 2015 में नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे, लेकिन एलेक्स हिल्स ने 6 छक्के 8 ओवर में नहीं लगाए थे। एलेक्स हिल्स ने 6 छक्के 2 ओवर में लगाए थे। पहले 8 ओवर में एलेक्स हिल्स ने लास्ट 2 बॉल पे 2 छक्के लगाए थे, और उसके बाद अगले ओवर में लास्ट 4 बॉल पे 4 छक्के लगाए थे। तो इस तरह से एलेक्स हिल्स ने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे, लेकिन वो 8 ओवर में नहीं था, वो 2 ओवर में था, और वहां पे बॉलर थे बॉयड रैंकिन। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है हजरतुल्लाह जजाई का, जिन्होंने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में 2018 में काबुल की तरफ से खेलते हुए बल्क लेजेंड्स के खिलाफ 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे, और सिर्फ इतना ही नहीं 12 गेंदों में उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया था। उस समय बॉलर थे लेग स्पिनर अब्दुल मजाई, और अब्दुल मजाई का वो डेब्यू मैच था, और उन्होंने शायद कभी भी नहीं सोचा था कि हजरतुल्लाह जजाई उनके खिलाफ 6 बॉल में 6 छक्के लगा देंगे, और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी वहाँ पर हजरतुल्लाह जजाई ने, और एक बहुत बड़ा टोटल भी उस मैच में चेस कर दिया था अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में काबुल के लिए बल्क लेजेंड्स के खिलाफ। तो यही थे वो सभी प्लेयर्स जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए हैं। 6 प्लेयर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना फेवरेट एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके अलावा अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा।